सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्यूटोरियल पॉइंट यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करके पाइए वेब डेवलपमेंट वेब डिजाइनिंग टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम अजय कुमार सुनीजा एंड गाइस वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2K16। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपने कोऑर्डिनेटर मिनी प्रोजेक्ट के साथ। सो आज हम देखेंगे, आज हम एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, मतलब जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था प्रोजेक्ट का उसके हिसाब से अपना प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन करेंगे और कैसे आप CSS को ऐड करते हो, कैसे जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हो वो मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, एग्जिस्टिंग हेल्पर्स आप सीखेंगे। आपने ऑलरेडी बेसिक में अगर सीखा होगा हेल्पर तो बहुत कम था, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था क्या होता है हेल्पर। अब आप देखेंगे कैसे हेल्पर को यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं गाइस, शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था गाइस, URL हमने index.php हटा दिया था और हमारा कोड एकदम सही चल रहा था। सो गाइस एज़ पर आर स्ट्रक्चर जो हमने डिज़ाइन किया प्रोजेक्ट का, यूज़र इंटरफेस है और एडमिन इंटरफेस है। सो इन यूज़र इंटरफेस वी हैव आर्टिकल लिस्ट। तो आर्टिकल लिस्ट पर थोड़ा काम आज शुरू करते हैं, थोड़ा सा आर्टिकल लिस्ट पे। ठीक है, हमने admin.php htaccess फाइल बनाई थी फॉर रिमूविंग index.php। इसको हम यहाँ बंद करते हैं, एडमिन को भी बंद करते हैं और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को यहाँ खुला रहने देते हैं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ इसको और अगर प्रोजेक्ट चलाऊँ तो क्या आता है, नोट फाउंड। और जब हम पहले चलाते थे स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा अभी फर्स्ट वीडियो में, तो वेलकम वाला पेज आता था क्योंकि हमारे कंट्रोलर में वेलकम कंट्रोलर था जो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो आप कोऑर्डिनेटर को अगर डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से और अपने मतलब प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट उसको चलाएंगे तो वो वेलकम कंट्रोलर को ही लोड करता है। उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, कन्फिग में जाइए, यहाँ पे जाइए route.php पे, यहाँ पे देखिए कंट्रोलर का नाम बाय डिफ़ॉल्ट क्या दे रखा है, वेलकम। अब मैं यहाँ पे इसको हटा के कर रहा हूँ यूज़र्स। ठीक है, अगर मैं अब पेज रिफ्रेश करूँगा तो आ जाएगा टेस्टिंग, मतलब अब वो वेलकम लोड नहीं करेगा, वो यूज़र लोड करेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहते हो कि सबसे पहले ये वाला कंट्रोलर लोड हो। तो कंफिग में जाइए, रूट में जाइए, root.php में, और वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोलर का नाम देंगे वो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर पहले चल जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, चलते हैं, इसे बंद कर देते हैं यहाँ से और मैं कन्फिग को बंद कर देता हूँ। और हमने ऑलरेडी कंट्रोलर के अंदर admin.php और user.php बना लिया है। ठीक है, और अब मैं चलता हूँ व्यू के अंदर, ये रहा व्यू, और व्यू में कुछ एरर्स हैं एंड ऑल, इसको भी हम कुछ नहीं देखते। यहाँ पे वेलकम मैसेज है, ये welcome_message.php किसका है, जो आपने वेलकम कंट्रोलर हमने डिलीट किया था ये उसका व्यू है, उसको भी डिलीट करते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। व्यू में आपको क्या करना है गाइस, व्यू में सिंपल एक फोल्डर बनाऊँगा मैं, किस नाम से बनाऊँगा फोल्डर, मैं बनाऊँगा यूज़र्स के नाम से। ठीक है, देखिए मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ गाइस क्योंकि यहाँ देखिए कंट्रोलर है, एडमिन है, user.php है। अब कंट्रोलर user.php है तो हमने क्या करा, उस कंट्रोलर के लिए एक फोल्डर बना लिया यहाँ पे ताकि हमें इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इस यूज़र्स में खाली यूज़र रिलेटेड ही व्यू आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ मैं और एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे हम सिंपल, इसको पहले मैं नाम दे देता हूँ, सेव कर लेते हैं इसको, क्या बना फर्स्ट हमारा क्या है, आर्टिकल लिस्ट के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल नेम देते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर लीव कीजिएगा, कहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न हो रही हो आपको तो प्लीज़ बताइएगा। आर्टिकल लिस्ट डॉट php, इसको थोड़ा एल स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया सेव आर्टिकल लिस्ट डॉट php। यहाँ पे सिंपल HTML बनाएंगे अब हम और हेड और टाइटल में दे देते हैं यहाँ पे आर्टिकल लिस्ट, आर्टिकल की लिस्ट यहाँ पे, लिस्ट यहाँ पे शो होगी और हेड हम बंद कर देते हैं, साथ ही साथ बॉडी और HTML क्लोज कर देते हैं। इतना पार्ट होने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, तो अभी कुछ दिखेगा नहीं आपको क्योंकि हमें लोड नहीं करवाया इसको। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि यूज़र्स में इंडेक्स डॉट यूज़र्स के अंदर आर्टिकल लिस्ट डॉट php है। अब यूज़र में चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा गाइस, अब व्यू आपको लोड कराने के लिए हम क्या करेंगे, डॉलर दिस लोड व्यू और अपने व्यू का नाम दे देंगे। तो व्यू, अब जो व्यू है वो यूज़र्स के अंदर है, स्लैश आर्टिकल
आर्टिकल लिस्ट डॉट, बस इतना ही आपको रखना है, लिस्ट डॉट पी एच पी लगाना आपको, वो अपने आप कोऑर्डिनेटर हटा देगा, मतलब लगा देगा सॉरी। सो यहाँ पे पेज हो गया एम्प्टी। टेस्ट करने के लिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक है नहीं है। तो एच वन टैग दे देता हूँ मैं यहाँ पे भी, सिंपल अजय सुनेजा, ठीक है। एक बार ब्राउज़र पर देखते हैं, तो अजय सुनेजा आ गया गाइज, मतलब हमारा व्यू प्रॉपर लोड हो चुका है, हम एकदम सही जा रहे हैं और यहाँ पे हमने व्यू लोड करवा लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से सीएसएस ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे फटाफट से हम यूज़र्स आर्टिकल लिस्ट के अंदर, और यहाँ मुझे ऐड करनी है अपनी सीएसएस। तो सिंपल हम एक जो सिंपल तरीका होता है क्या होता है, हम नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, अगर आप एचटीएमएल के बारे में जानते हो, लिंक टैग यूज़ करते हैं, एचआरईएफ हाइपर लिंक रेफरेंस होता है इसका फुल फॉर्म, और यहाँ पर अपनी सीएसएस को डाल देंगे। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं यहाँ पर, ये मेरा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट है, तो यहाँ पर आप देंगे सिंपल एचटीटीपी लोकल होस्ट, ये अपने वैसे आ ही गया, और TP2K16 में मैंने एक एसेट नाम का फोल्डर बनाया था, अगर आपको याद हुआ गाइस, वेयर इज एसेट, ये रहा। तो एसेट उसमें आई थिंक मैंने बनाया था एक CSS, यहाँ CSS आ जाएगा स्लैश, क्या नाम है CSS का, बूटस्ट्रैप। तो इसको यहाँ पे हम दे देते हैं बूटस्ट्रैप, डॉट मिन डॉट सी एस एस, बाकी आर एल जो वेरियस एट्रीब्यूट्स होते हैं जो बताना चाहते बताते हैं कि हम ये स्टाइल शीट है, दैट्स इट। तो इतना पार्ट करने के बाद देखिए पेज है मेरा, तो देखिए थोड़ा चेंज हो गया फॉन्ट, तो इसका मतलब बूटस्ट्रैप हमारा ऐड हो गया है, मतलब बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ सी एस एस इन विच वी हैव वेरियस टाइप ऑफ क्लासेस, और उन क्लासेस के आपको नाम पता होने चाहिए, डिज़ाइन अपने आप देगा। क्यों बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, क्योंकि एक सी एस एस रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क है, अगर मोबाइल में खोलेंगे वेबसाइट तो मोबाइल की तरह हो जाएगी, मतलब मोबाइल की तरफ अपने आप मोबाइल की तरह, मतलब मोबाइल में सेट हो जाएगी, और उसके जो रिजोल्यूशन होते हैं वो अपने आप मोबाइल में मोबाइल की तरह हो जाते हैं, टैबलेट में टैबलेट की तरह हो जाते हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो अब बूटस्ट्रैप यहाँ पे ऐड हो चुका है, बट गाइज एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यार क्या ये तरीका ठीक है, अभी तो अपनी मशीन पर काम कर रहा हूँ, चलो ठीक है हम समझ पा रहे हैं कि ये ठीक है, बट अगर मान लीजिए कल को आप वेबसाइट होस्ट करेंगे और आपके पास बहुत सारे व्यू हैं, उनमें सब में आपने ये लाइन लिख दी, तो ये चीज़ तरीका ठीक नहीं है। तो अब बार बार यहाँ वहाँ पे फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वेब जब आप सर्वर पे इसको होस्ट करेंगे तो वहाँ थोड़ी लोकल होस्ट है। तो गाइस ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, चलेगा कोड आपका भी चल भी रहा है, बट अभी लोकल पे है तो इसे चल रहा है, बट अगर सर्वर पे जब इसको होस्ट करेंगे तो वहाँ का पाथ अलग होगा। तो हम क्या करते हैं गाइज, उसके लिए अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि अब हम लिख देंगे पीएचपी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे पीएचपी का टैग, ओके। तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है बेस अंडरस्कोर यूआरएल। अब देखिए मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था हेल्पर के बारे में, हमारे पास बहुत सारे एग्जिस्टिंग हेल्पर्स होते हैं, एक यूआरएल हेल्पर होता है, एक एचटीएमएल हेल्पर होता है। तो आप, मैंने अभी जो डिस्कस किया आपसे कि लोकल होस्ट आपको हर जगह चेंज करना पड़ेगा, तो आप दो हेल्पर हैं, एक यूआरएल हेल्पर है, एक एचटीएमएल हेल्पर है, आप कोई भी हेल्पर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ बेस अंडरस्कोर यूआरएल यूज़ कर रहा हूँ, ये हेल्पर जो है ये आपका यूआरएल हेल्पर में आता है ये फंक्शन। देखिए इस फंक्शन में क्या करेंगे हम, आपको कुछ नहीं करना है इस फंक्शन में, सिंपल आपको अपनी एसेट एसेट्स है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये रहा कर्सर, देखिए मेरा एसेट्स स्लैश सी एस एस स्लैश बूटस्ट्रैप मिन डॉट सी एस एस, दैट्स इट। इतना पार्ट करना है आपको, इससे देखिए क्या फ़ायदा हो जाएगा, कल को अगर आप गाइस कहीं भी किसी भी सर्वर पे होस्ट करें, आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बेस अंडरस्कोर यूआरएल क्या कर देता है आपको, आपको ये यूआरएल दे देता है, ये जो ये चीज़ है, इसे ऐसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, और मतलब ये चीज़ अपने आप लगा देगा, जो भी होगी लोकल पे है लोकल की लगा देगा, सर्वर की होगी सर्वर की लगा देगा, इसे यहाँ से हटा देते हैं अभी, तो कितना ईजी हो गया। तो अब ये एरर आ रहा है, ये एरर क्या है समझते हैं इसको, ये कह रहा है कि सर एरर कॉल टू अनडिफाइंड बेस यूआरएल, उसको मिल ही नहीं रहा है। तो चलते हैं अपने गाइस कंट्रोलर में, और यहाँ पे आपको लोड करवाना होगा अपने हेल्पर को,
बहुत इजी है गाइस, मैंने बेसिक ऐसा आपको बताया है कि अब आपको हर चीज़ मजाक लगेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। फिर भी कोई डाउट आता है प्लीज़ बताइए। यहाँ लिखता हूँ URL, तो आई थिंक आप एरर वो चला जाना चाहिए, तो एरर चला गया गाइस, अजय सुनेजा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको लगता है कि आपके हर कंट्रोलर में यूज़ होना है, मतलब कि हर व्यू पे, देखिए ये इस व्यू पे आपने इसको यूज़ किया है बेस अंडरस्कोर URL को, आपको लगता है कि और जगह भी ये यूज़ हो सकता है अदर व्यूज़ में, तो आप क्या कीजिए गाइस, इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ अभी, ठीक है, इसे कमेंट कर दीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि कन्फिग में जाइए और यहाँ पे एक ऑटो लोड होता है, जैसे ही आपका पेज लोड होगा तो अपने आप जितनी, जैसे यहाँ देखो लाइब्रेरीज़ के लिए है, ऐसी लाइब्रेरीज जो आपको लगता है बार बार यूज़ होती है उसको यहाँ ही डिफाइन कर दो आप। ड्राइवर है, हेल्पर है, तो हेल्पर अभी जो हमने यूज़ किया कौन सा यूज़ किया है, URL ने यहाँ पे लिख दिया सिंपल, बस चलेगा कोड आपका, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कोडिंग राइटर की गाइड में, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप हमारे प्रोजेक्ट में यूज़र गाइड होती है, उसमें सारे के सारी चीज़ें होती हैं, आप देख के समझ के काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे हेल्पर भी आ गया, सिंपल आपको क्या करना है, URL में अपने प्रोजेक्ट का नाम जहाँ तक है उसके आगे लिख दीजिए user_guide। तो यहाँ मैंने जो यूज़ किया अभी गाइस URL हेल्पर, तो क्लिक करते हैं इस URL हेल्पर पे और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ देखिए कैसे लोड करवाया, मैंने ऐसे ही लोड करवाया था, और जो हमने यूज़ किया है वो यूज़ किया है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं आप यूज़ कर सकते हो, साइट URL यूज़ कर सकते हो, हमने जो यूज़ किया गाइस वो यूज़ किया है बेस URL। तो बेस URL सिंपल हमने यूज़ किया, अगर मैं सिंपल इको करवाऊँ तो आपको ये आपके वेबसाइट का जो करंट URL होगा वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और तो ये हमने यहाँ यूज़ किया है, तो ये सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो गाइज अपने प्रोजेक्ट में एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो अभी जो हमने यूज़ किया है वो यूज़ किया है बेस अंडरस्कोर URL, इसको आपको लोड करवाना होगा। आपको लगता है कि बार बार ये जगह हर जगह यूज होगा, तो आप क्या कीजिए उसकी जगह इसको आप कन्फिग के अंदर ऑटो लोड डॉट पी एच पी में डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा, लिंक टैग हो गया, लिंक टैग में HREF और ये सो गाइस जैसा आप देख रहे हो डिज़ाइन हमारा आ नहीं रहा है बूटस्ट्रैप का, आई थिंक ओके यहाँ पे टी लगा देते हैं, अब आ जाएगा। सो गाइस बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी CSS फाइल जो है वो लोड हो चुकी है। तो हमने क्या सीखा है यहाँ पे, बेस अंडरस्कोर URL जो कि किसके अंदर आता है, कौन से एग्जिस्टिंग हेल्पर में आता है, URL के अंदर। मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे आप सिंपल ये भी कर सकते हो, एक हमारे पास होता है गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है आपका HTML हेल्पर। अब जितने भी आपको पता है गाइस HTML में टैग्स होते हैं, तो अब चलते हैं एक बार HTML हेल्पर के अंदर, बैक करता हूँ मैं एक बार, और HTML हेल्पर HTML हेल्पर, यहाँ पे एक आपके पास फंक्शन होता है लिंक अंडरस्कोर टैग, आइए ढूंढते हैं एक बार उसको, ये रहा। तो गाइस जैसा लिंक, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, चलिए कॉपी करना ये रहा वैसे, तो लिंक अंडरस्कोर टैग यहाँ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लिख लेता हूँ लिंक अंडरस्कोर टैग, और डबल कोट्स के अंदर इस पाथ को आप यहाँ पे कॉपी कीजिए और इसमें डाल दीजिए, मतलब कि गाइस यहाँ पूरा आपको यहाँ पे देखिए, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपका लिंक टैग था HTML में, कोऑर्डिनेटर ने आपको स्पेशली लिंक अंडरस्कोर टैग एक यहाँ पे हेल्पर दे दिया है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ अब और देखिए चलेगा नहीं चलेगा, कोल टू अनडिफाइन, वही एरर कुछ और है ये, चलते हैं एक बार यहाँ पे यूजर डॉट पी एच पी में, यहाँ से इसको हटाता हूँ और यहाँ लिख दूंगा हेल्पर। अब देखें एरर जाता है नहीं जाता, एरर चला गया, बट एरर चला गया कह रहा है कि हेल्पर अंडरस्कोर हेल्पर ओके अनेबल टू लोड रिक्वेस्टेड फाइल, ओके 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 एस्टिमेट लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी। सो गाइस चल रहा है प्रॉपर, आपको मैंने दो तरीके बता दिए, उन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कीजिए, आई थिंक जो मुझे पसंद है गाइज वो ये है, आपको लिंक टैग यूज़ ही नहीं करना है HTML का, आपको कोऑर्डिनेटर देगा गाइज, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कम कोड में ज़्यादा काम कर सकते हैं।
सो आई थिंक ये क्लियर होगा। वीडियो थोड़ा सा आज बड़ा बनेगा गाइस, क्योंकि फिर अगर हम 5-5 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो प्रोजेक्ट फिर पता नहीं कब खत्म होगा। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा आप, और वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है तो ये बहुत चीज़ें, अगर आपको सारी चीज़ें पता होंगी छोटी छोटी, तो बड़े काम तो आपके आराम से बन जाएंगे। तो गाइज हमने यहाँ पे CSS को लोड करवा लिया है, अब मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जावास्क्रिप्ट कैसे लोड करवाएं, तो उस पर चलते हैं गाइज अभी। बट पहले यहाँ चलता हूँ बूट्स वॉच पे। मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, तो कोई भी एक टेम्पलेट अभी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और अगर आपको कोई डाउट आता है बूटस्ट्रैप की क्लास के अंदर कि सर ये क्लास मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है एंड ये वो डिज़ाइन आपको क्लियर नहीं है, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, मैंने ऑलरेडी ज़्यादा वीडियो नहीं डाले हैं बूटस्ट्रैप के, मुश्किल से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, 6 वीडियोज़ हैं बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर, उन्हें अगर पढ़ लिया आपने आई प्रॉमिस गाइज आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसमें सब कुछ सिखाया है, मेन्यू कैसे बनाएं, बैनर कैसे बनाएं, छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं मैंने यहाँ पे, बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ करते हैं मैंने वो बताया है, बहुत बारीकी बारीकी चीज़ें आप मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, तो आप वहाँ यहाँ से सीख सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो यूज़ करूँगा डायरेक्ट कोड उठाऊँगा यहाँ से मेन्यू के लिए, बाकी कुछ मैं खुद लिखूँगा कोड, बट जहाँ मुझे लगेगा कि टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है तो वो हम यहाँ से उठा लेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो कि नहीं सर आप उठाओ मत ये वो, तो आप प्लीज़ अपना कमेंट वही बता दीजिएगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत आसानी से इसे बताने की कोशिश करूँ, बट ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा फिर भी बूटस्ट्रैप वाली, ठीक है। बाकी एंगुलर वगैरह की आप टेंशन मत लीजिए, मैंने वैसे एंगुलर की मैंने वीडियोस दे रखी हैं 16, बट मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको यहाँ क्लियर होगा, और बूटस्ट्रैप भी मैं ऐसे ही बताऊंगा कि आपको क्लियर रहे। तो यहाँ पे आप चलते हैं बूट्स वॉच के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम डाउनलोड हम कर सकते हैं, क्योंकि CSS बूटस्ट्रैप min.js CSS हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। प्रीव्यू करता हूँ मैं इसको टेम्पलेट को यहाँ पे, और ये अच्छा खासा टेम्पलेट यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे कि आप देख रहे हो इतना अच्छा ये मेन्यू है, 1 2 3 ये मेन्यू है, तो यहाँ से मान लीजिए मैं उठा लेता हूँ फर्स्ट मेनू उठा लेता हूँ, तो आप ये जो देख रहे हो आप इस पर क्लिक करूँगा तो एक कोड दे देगा मुझे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे जाते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं एक बार अपने प्रोजेक्ट पे, तो गाइस देखिए मेन्यू आ गया अच्छा खासा, और अब देखिए मैं थोड़ा चेंज करता हूँ नेव बार को हटा के, हम क्या करते हैं यहाँ पे आर्टिकल लिस्ट, तो नेवबार ये रहा, इसे यहाँ से हटाते हैं या कर देते हैं आर्टिकल लिस्ट, ठीक है। सो आर्टिकल लिस्ट हो गया गाइस, और देखिए एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जो खास बात है बूटस्ट्रैप की वो ये है गाइस, ये देखिए टैबलेट में ऐसा दिखेगा और मोबाइल में ऐसा दिखेगा, बट आप कह रहे हो कि सर अब वो कहाँ गया जो सर्च बॉक्स है, तो मैं दिखाता हूँ वो कैसे आएगा अभी। तो आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको, आर्टिकल लिस्ट हो गया, सर्च अगर हमें कोई आर्टिकल सर्च करना हो तो ये हमें रहने देते हैं कि इसका हम यूज़ करेंगे, बाकी होम फीचर प्राइजेस ब्लॉग ये सब हटा देते हैं यहाँ से, खाली होम रखते हैं, होम की जगह हम रिप्लेस करेंगे लॉगिन, आई थिंक लॉगिन तो करवाना है हमने तो लॉगिन रख लेंगे यहाँ पे, बाकी कुछ और होगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेंगे, इन सबको LI को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आई थिंक इट्स लुक बेटर, लॉगिन आ गया, आर्टिकल लिस्ट आ गया और ये आ गया, तो अब आई थिंक अच्छा लग रहा है काफ़ी देखने में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं अब ये जो सर्च दिख रहा है अगर मैं छोटा करूँ इसको तो यहाँ वो नहीं दिख रहा, तो आपको उसके लिए क्या करना करेगा आपको करना पड़ेगा यहाँ पे बूटस्ट्रैप की JS फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं चलता हूँ गूगल पे और यहाँ से हम बूटस्ट्रैप की JS फाइल को डाउनलोड करेंगे, बूटस्ट्रैप JS फाइल। एक चीज़ आपने शायद सुनी ना हो गाइस, मैं आपको सुना देता हूँ वो चीज़, एक होता है CDN, चलिए मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप CDN, मैं लिखता हूँ CDN क्या है, CDN बूटस्ट्रैप। गाइस CDN से ये होता है कि आप CDN को अगर अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फास्ट ओपन होगी, मतलब फास्ट खुलेगी कोई अगर उसको यूज़र ओपन करेगा तो, क्योंकि यहाँ क्या है कि आप पहले सारी CSS अपने डायरेक्टरी में डालेंगे, वहाँ से फिर आप उसको यहाँ कॉल करेंगे पेज पे, फिर वो कॉल उस कॉल से उस बूटस्ट्रैप के CSS को उठाएगा, फिर पेज पे वो दिखेगा। बट अगर आप CDN डायरेक्टली यूज़ करते हैं, CDN मतलब क्या होता है, ऑनलाइन आपका URL होगा, दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा डमी पर्पज़ के लिए, वो भी दिखा दूंगा अभी। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ क्विक स्टार्ट बूटस्ट्रैप CDN, तो सिंपल आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी इसमें से कॉपी कर लेता हूँ, देखिए CSS का ये दे रखा है और ये दे रखा है, सिंपल यहाँ से कॉपी कीजिए और अपने यहाँ बॉडी के अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ स्क्रिप्ट, सिंपल जैसे हम लोड करवाते हैं, और SRC और यहाँ डाल दीजिए सिंपल ऑनलाइन URL, मतलब आप वेबसाइट वगैरह इंटरनेट पर चलेगी ना तो ये ऑनलाइन उठा लेगा, तो ये फ़ायदा होता है गाइस। तो देखिए
अभी भी ये चलेगा नहीं अगर मैं क्लिक करूँगा तो। रीज़न गाइस कि बूटस्ट्रैप को क्या चाहिए होता है, बूटस्ट्रैप को चाहिए होता है, बूटस्ट्रैप की जो जेएस को जेक्वेरी चाहिए होती है तभी वो चलाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल अब जेक्वेरी सीडीएन, इसकी भी सीडीएन निकाल लेते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन फास्ट चले। कॉपी करता हूँ गाइज यहाँ पे और देखिए, तो यहाँ मैंने कॉपी कर लिया है इसको, इसको यहाँ से हम कॉपी कर, एक मिनट, वर्जन 3.x 2. ओके मिनीफाइड, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने यहाँ प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। ठीक है, बाकी इंटीग्रिटी ये सब आप यहाँ से हटा सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, खाली इतना पार्ट चाहिए हमें और दैट्स इट। तो एक बात ध्यान रखिए गाइज, इसको आप रखिएगा इस स्क्रिप्ट को बूटस्ट्रैप की जेएस से पहले, क्योंकि पहले वो कॉल होगी फिर वो कॉल हो फिर वो उसको कॉल करेगा। तो प्रॉपर सब कुछ हो चुका है, चलते हैं इसको थोड़ा छोटा करते हैं और क्लिक करने की कोशिश। देखिए आ गया सर्च, लॉगिन भी आ रहा है, सर्च भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। सो गाइज ये आपका हो गया, यहाँ पे सिंपल सा हमने डिज़ाइन किया है और आई होप आपको क्लियर होगा, बट यहाँ पे सीडीएन यूज़ किया है हमने, ऑनलाइन यूआरएल यूज़ किया है। और क्या आपको लगता है कि आपका एचटीएमएल हेल्पर ही बार बार यूज़ होना है, तो यहाँ से इसे कर दीजिए कट और चलते हैं यहाँ पेज पे, ऑटो लोड पेज पे में जाइए और यहाँ पे स्कोमा दे दीजिए एचटीएमएल, दैट्स इट, हो गया। सो गाइज ये था पूरा कंप्लीट आपका, कैसे ऐड करते हैं स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, आप कैसे जेएस ऐड कर सकते हैं, कैसे सीएसएस ऐड कर सकते हैं, हेल्पर हमने देखे, एचटीएल हेल्पर देखा, यूआरएल हेल्पर देखा। सो आई होप काफ़ी है इतना आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फॉर्म बनाएंगे और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गाइस चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, एकदम बेसिक से कोशिश करता हूँ आप लोगों को दूँ। तो इस रेड कलर के बटन कर दीजिए प्रेस और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो में सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ना, गुड डे, थैंक यू।